हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी किचन में। आज हम छोले भटूरे बनाएंगे। छोले भटूरे पंजाब की डिश है और दिल्ली का स्ट्रीट फूड है। ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि हम सबको बहुत ही पसंद आते हैं। छोले भटूरे घर में बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैंने 500 ग्राम चने ले लिए हैं, जिनको कि 7 से 8 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। आप सर्दी के मौसम में इनको थोड़ी ज़्यादा देर तक भिगोएंगे, गर्मियों में थोड़ी कम, 7 से 8 घंटे चल जाएगा। और ये मेरे अच्छे से फूल गए हैं। मैं इनको धो के प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और इसमें 1/2 लीटर पानी डाल देना है आपको। इसमें 1/2 लीटर पानी डाल दिया है और 1 स्पून नमक डाल देंगे इसमें। प्रेशर कुकर को बंद करके और गैस पर रख देंगे। पहले गैस को मीडियम हाई रखेंगे, 2 सीटी आने के बाद स्लो कर देंगे। और ये देखिए, मैंने कुछ टमाटर और हरी मिर्च ले लिए हैं, जिनको कट करके मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी। आप थोड़ी सी मिर्च इसमें ग्राइंडर में डाल देंगे, थोड़ी सी कट करके अलग रख लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और मैं इसमें एक टुकड़ा अदरक भी डाल दूंगी। इसका सभी का मिला करके पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया। इस तरह से, इसी तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। अब मैंने ये कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। आपको ऑयल अच्छे से डाल लेना है, थोड़ा ज़्यादा ही। और ये मैंने धनिया ले लिया है और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, जिससे कि मसाला दिखाई दे। 1 स्पून मैंने एक रेड चिली पाउडर ले लिया है। पानी डाल के इसको भिगो दूंगी 5 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स करके इसको भिगी रहने देंगे थोड़ी देर। इधर जब तक के लिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, देखिए इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया है पेस्ट। ये हमारा मसाला मिक्स हो गया अच्छे से। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। हम 1 स्पून इसमें जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। ये देखिए, हमारा जीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम मसाले को डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला हमें ब्राउन होने तक भूनते रहना है। अब इसमें हम 2-3 तेज पत्ते डाल देंगे धोकर, और तेज पत्ते से अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अब इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, जिनको कि पहले से हमने कट कर लिया था ये, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे हम। अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, जब तक के लिए भूनते ही रहना है इसको। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब इधर दूसरी गैस पे हमने फ्राईदान चढ़ा दिया है, जिस पे 1 गिलास पानी डाल दिया है इसमें, जिसमें 2 टेबल स्पून में चाय की पत्ती डालूंगी, थोड़ा सा कलर आने के लिए। इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। इसे डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, मैंने कुछ लौंग ले ली हैं, ये कुछ काली मिर्च ले ली हैं, और मैं इनको यहीं कूट लूंगी थोड़ी सी मोटे रूप में, जिससे खड़े मसाले तैयार हो जाएंगे। और ये मेरे देखिए कूट चुके हैं, और इधर पानी भी ये बॉयल हो गया है। और इसमें मसाले में डाल दूंगी कूट कर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें।
ये देखिए हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें देखिए। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको भी मिक्स कर देंगे, टमाटर, हरी मिर्च का, अदरक का, और इसको भी भून लेंगे हम। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है हमारा। और इसमें हमने जो खड़े मसाले डाले हैं उनसे तो टेस्ट अलग ही आएगा इसमें बिल्कुल। देखिए हमारा ये भुनकर तैयार हो गया है मसाला। और ये हमने थोड़े चने थे ये बॉयल हो गए हैं, और इनको थोड़ा सा मसल लेंगे चमचे से इस तरह से दिख करके, और इस चने को भी इसमें हम डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने जो चाय पत्ती का पानी गर्म किया था इसको भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे देखिए कलर कितना अच्छा हो गया है इससे। अब इसमें चाय की पत्ती का जो पानी डाला तो उसमें थोड़ा सा एक गिलास वाटर डाल के और दोबारा से गर्म कर लेंगे। और इसके लिए मैं प्याज कट कर ले रही हूँ थोड़ी सी, प्याज से इसका स्वाद बिल्कुल दुगना हो जाएगा। प्याज के साथ खाने का तो इसका मजा ही कुछ और है। देखिए मैंने इसमें ये एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, और एक चम्मच ये दाल का मसाला, और एक चम्मच खटाई पाउडर डाल दूंगी मैं, अमचूर पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। ये देखिए हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं अब। और मैं ये इधर मैदा मल देती हूँ इसकी। ये देखिए मैंने आधा किलो मैदा ले ली है, और इसमें हाफ टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंथ लूँगी। अगर आपको कभी ऐसा होता है जल्दी होती है तो आप गर्म पानी से भी आटे को लगा सकते हैं, जल्दी तैयार हो जाएगा। इसको आटे को तैयार करने के बाद इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि आटा एकदम लोचदार हो जाए। अच्छा आप आटे को जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे आटा उतना ही अच्छा हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे भटूरे बनाने में बहुत ही अच्छे बन के आएंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम घी लगा करके इसको रख देंगे। इसको अच्छे कॉटन के कपड़े से ढक करके 15 मिनट के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, जिससे कि आटा बहुत अच्छा हो जाए। ये देखिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, मैं इसमें पनीर सेकूंगी। अब पनीर के छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं मैंने।
अब इसको अच्छे से इसमें तल लेंगे। आप पनीर कच्चा भी डाल सकते हैं, पर तल करके डालेंगे उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पनीर डालें, आप अगर चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए हमारे छोले बन के रेडी हो गए हैं बिल्कुल। अब इसको पनीर को इसमें हम डाल देंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं गरम होकर इसमें थोड़ा सा रतन जोड़ डालूंगी। ये मैंने रतन जोड़ डाल दी है। और ये देखिए हमारी भुन गई है, इससे कलर आ गया है एकदम। और इसमें मैं इसको छान दूंगी इसमें करके, जिससे कि इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है हमारा। आप चाहें तो रतन जो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। और मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया इसमें कट करके, हरा धनिया, आप हरा धनिया डाल दें थोड़ा सा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और देखिए मैं आपको अब भटूरा बताऊंगी कैसे बनाना है। इसको अच्छे से थोड़ा सा आटा लगा कर, मतलब मैदा लगा के, और आपको बेल लेना है इस तरह से। भटूरे को आपको एक सा बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रहने देना है, नहीं तो फूल कर नहीं आएगा आपका भटूरा। देखिए इस तरह से चारों तरफ से बेलना है आपको। ये देखिए मैंने एक घी ले लिया है, इसमें मैंने गरम हो गया है, इसमें मैं भटूरे को डाल देती हूँ। देखिए भटूरा कितना अच्छा हो गया हमारा, इस तरह से फूल के आया है। जितनी देर आप आटे को रखेंगे उतना ही अच्छा आएगा आपका भटूरा। इसी तरह से आप सभी को एक एक करके सेक लेंगे। आपको दोनों तरफ से पलट के अच्छे से सेक लेना है इसको। देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और जो हमने प्याज कट करके रखी थी वो भी हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे, और इसके साथ नींबू भी रखेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।